सभी का आपके अपने चैनल द यूनिवर्सल हीलिंग में आपका स्वागत करती हूँ। गाइज आज है न्यू मून, हम लोग देखेंगे आपके एंसेस्टर आपको क्या मैसेज दे रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। ओम गण गणपति आय नमो, ओम नमो नारायण, ओम साई नाथ आय नमो। तो देखते हैं आपके एंसेस्टर्स का आप लोग के लिए क्या संदेश है, किस चीज को कहने करने के लिए बोल रहे हैं, किस चीज को करने से मना कर रहे हैं। चलिए देखते हैं, सब कुछ देखने की हम कोशिश करेंगे। जनरल रीडिंग है गाइस, उसी हिसाब से लीजिएगा जो आपको लगता है ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है, तो आप बिल्कुल उसे देखिए। जो लगता है ये आपके लिए नहीं है उसको मत देखिए, उसको अवॉइड करिए, क्योंकि ये वो चीज आपके लिए नहीं होगी। ठीक है, तो हम देखेंगे आपके एंसेस्टर्स के मैसेजेस क्या है आप लोगों के लिए। वो क्या हो सकता है, कुछ आप काम ऐसा करने जा रहे हैं जिनके जो अभी आपके लिए शायद सही समय नहीं होगा, इसलिए वो रोक रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। सबसे पहले तो जो काम आप शुरू करने जा रहे हैं उस चीज के लिए इंफॉर्मेशन लीजिए। जनरल रीडिंग है, फिर मैंने बोला आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं पहले उस, या हो सकता है बिजनेस शुरू करने जा रहे हो, या कोई फ्लैट खरीदना है, प्लाट खरीदना है, जो भी आप काम करने जा रहे हैं न्यू, उसके लिए इंफॉर्मेशन निकालिए। अगर प्लाट ले रहे हैं तो देखिए वो जगह ठीक है या नहीं, वो एरिया ठीक है या नहीं, वो जमीन आपके लिए ठीक है या नहीं। दूसरी चीज, फ्लैट लेने जा रहे हैं तो भी आपको ये चीजें देखनी है। बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं तो मार्केट की जानकारी लीजिए, मार्केट में क्या चल रहा है, कैसे आगे ग्रो कर सकते हैं, या आगे जाएगा कि नहीं बहुत बिजनेस, ये सब की इंफॉर्मेशन आपसे कहा जा रहा है, कि बहुत क्लियर कहा जा रहा है कि आप इसकी इंफॉर्मेशन लीजिए, नॉलेज बटोरिए और उसके बाद आगे बढ़िए। कुछ लोगों को स्पिरिचुअल गिफ्ट यूनिवर्स देने जा रहा है, जो काफी टाइम से अपने ऊपर वर्क कर रहे थे, हो सकता है मेडिटेशन कर रहे थे, मंत्रा जाप कर रहे थे, किसी चीज को यदि आप कोई पाने के लिए कोई कुछ पूजा पाठ कर रहे थे, जो भी कर रहे, तो आपकी लाइफ में गाइस बहुत बड़ा पॉजिटिव चेंज आने जा रहा है। आपकी लाइफ पूरी चेंज होने जा रही है, ये यूनिवर्स की साइड से आपको गिफ्ट है। हो सकता है कुछ लोग कुछ चीज के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो काफी टाइम से, हो सकता है ना, क्योंकि जनरल रीडिंग है, सबकी अलग अलग विशेज होंगी, तो उनके लिए वो यूनिवर्स गिफ्ट देने जा रहा है। कुछ लोगों के लिए कहा जा रहा है अपने मुंह पे, अपनी जबान पे, अपने दिमाग पे कंट्रोल करिए, जो मुंह में आ रहा है वो आपको बोलना नहीं है। हो सकता है आप, कई लोग यहाँ बहुत एग्रेसिव ऐसा लग रहा है हो रहे हैं, तो उनको मना करा जा रहा है। कुछ काम के लिए जा रहे हैं या किसी से आपको बात करना है किसी टॉपिक पे, शांति से बैठिए, सोच समझ के बोलिए, और यदि आपको बहुत गुस्सा आ रहा है उस वक्त आपको बात नहीं करना है, चुपचाप रहना है, क्योंकि आपकी बनती बनती बात बिगड़ सकती है। आपके लिए ये कहा जा रहा है बहुत क्लियरली। कुछ टाइम आप वेट करिए, कुछ समय के लिए आप इंतजार करिए, हो सकता है जो ये आपका समय चल रहा है, ना चाहते हुए आपको गुस्सा आ रहा है, ना चाहते हुए आपको एंजाइटी हो रही है, रीजन क्या है आपको पता नहीं चल रहा है, तो आपसे कहा जा रहा है थोड़ा सा वेट करो, समय सही हो जाएगा, उसके बाद जो काम आप करने जा रहे हैं या जिससे बात करना है बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा वेट करने के लिए कुछ लोगों के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, जो भी पास्ट की चीजें थी, जो भी टेंशन था, जो भी एंजाइटी किसी पर्सन को लेके, किसी काम को लेके, उसको लेट गो करिए, आगे बढ़िए। आपको लेट गो की बहुत गाइस कुछ लोगों को यहाँ बताया जा रहा है बहुत जरूरत है, क्योंकि वो पास्ट को और निगेटिव पास्ट को लेके बैठे हुए हैं, उसी के बारे में सोचते हैं, उसी के बारे में आगे मतलब कोई काम ही नहीं बढ़ा रहे हैं, बस वही 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 निगेटिव थॉट दिमाग में आना और सोचते रहते, तो आपसे कहा जा रहा है लेट गो करिए। सबसे पहले आपको लेट गो करने के लिए कहा जा रहा है, उसके बाद ही आप अपने राइट पाथ पे आगे जा सकते हैं। अदरवाइज जो भी आप काम करेंगे आपका काम सक्सेस नहीं होगा, और यदि आपको लग रहा है कि हाँ मेरा काम तो सक्सेसफुल हो गया, तो थोड़े टाइम बाद आप वो रिजल्ट देख सकते हैं,
अगर आपने निगेटिविटी अपने दिमाग में बिठा के रखी है, तो आप लोगों को, कुछ लोगों को कहा जा रहा है जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एंट्री जिन्होंने ली है, उनको कहा जा रहा है न्यू कोर्स करने के लिए। अगर आप कंफ्यूज हो रहे करें कि नहीं करें, तो बिल्कुल कहा जा रहा है सीखिए, न्यू कोर्स सीखिए, न्यू काम करिए, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आगे बढ़िए। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आगे कैसे ग्रो करें, कैसे ग्रोथ हो आपकी, उन चीजों को सीखने के लिए आपको कहा जा रहा है। यह बहुत क्लियर मैसेज है आपके एंसेस्टर्स का कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जो एंट्री कर रहे हो, सकता है टैरो सीख रहे हो, न्यूमरोलॉजी सीख रहे हो, एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हो, कंफ्यूज है सीखे नहीं सीखे, करें बिल्कुल करिए। ये काम भी आपको करने के लिए कहा जा रहा है, यदि सीखने के लिए आपको। और कई लोग चाहते हैं जैसे नियम से पूजा पाठ करना टाइम पे नहीं कर पा रहे हैं, नियम से काफी टाइम से सोच रहे अब करेंगे, अब इतने बजे उठेंगे, अब करेंगे, नहीं कर पा रहे। बिल्कुल आपसे कहा जा रहा है आपका भाग्य तभी उज्जवल हो खुलेगा, उज्जवल होगा भविष्य आपका, जब आपने ये जो सोचा है ये काम पूरा करेंगे तब। तो आपसे आपके एंसेस्टर्स का ये मैसेज है आप लोगों के लिए गाइज। आई होप आप लोग को रीडिंग पसंद आई होगी। पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और बेल बटन गाइज जरूर दबाइए, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आप लोग को मिल जाए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।